चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी सरकार पर आक्रामक हुए वरुण गांधी, अपनी ही सरकार की उड़ाई धज्जिया, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 30 नेताओं को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का नाम गायब है। वरुण गांधी पीलीभीत से जबकि मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं। इससे सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के 2017 के विधानसभा चुनाव के समय भी वरुण गांधी का नाम लिस्ट से गायब था। हालांकि तीसरे और चौथे चरण में उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हुआ था। उनकी मां मेनका गांधी को उस समय भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिली थी। वहीं आपको बता दें कि वरुण गांधी कभी MLC के मुद्दे को लेकर तो कभी गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न होने को लेकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर भी वरुण गांधी ने सरकार को घेरा था। बीजेपी सांसद वरुण गांधी से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि पार्टी लाइन से हटकर कुछ बोलने से आपको डर नहीं लगता, आपका पार्टी नेतृत्व से कोई संवाद हुआ? इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं किसी डर या व्यक्तिगत लाभ हानि के दृष्टि से राजनीति नहीं करता। यदि जन सरोकार के मुद्दों को उठा नहीं सकता तो ऐसी राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। वरुण गांधी ने कहा कि जनता के हित में बोलता हूं तो कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? पार्टी में संवाद तो होता रहता है, मेरे विचारों को मानने से पार्टी का लाभ ही होगा।